अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं साद और हमारी एक्सरसाइज 2.4 की लास्ट वीडियो ये, और एक्सरसाइज की लास्ट वीडियो तो आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सेकंड पीडीएफ भी होगा जो क्वेश्चन मैं नहीं करवा पाया, तो चेक करें और डाउनलोड कीजिए। अच्छा, टॉपिक क्या है हमारा? लास्ट टॉपिक है और लास्ट ही वीडियो एक्सरसाइज 2.4 की, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, कंसिडर टू लाइन्स L1 एंड L2 मेकिंग एन एंगल अल्फा एंड बीटा। अच्छा, यहाँ जो एंगल की बात की जा रही है वो इंक्लिनेशन की बात की जा रही है। जो एंगल होता है, इंक्लिनेशन भी एक एंगल ही होता है। अब ये बोल सकते हो कि इंक्लिनेशन जो है वो एंगल की स्पेशल फॉर्म है। एंगल तो हर चीज़ होती है, इंक्लिनेशन भी एंगल है, नॉर्मल एंगल भी है। अगर वो एंगल राइट साइड पर बन जाए और अबव एक्स एक्सिस बन जाए एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, तो उसे आप इंक्लिनेशन बोल दोगे। तो यहाँ जो एंगल है वो मेरे पास इंक्लिनेशन ही है। तो दो लाइन्स हैं L1 एंड L2। L1 लाइन जो है उसका इंक्लिनेशन मेरे पास अल्फा है, और L2 लाइन जो है उसका इंक्लिनेशन मेरे पास बीटा है। ठीक है, और ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड एंगल फ्रॉम L1 टू L2 बी थीटा। L1 से लेके L2 पे मेरा जो एंगल है ना वो मैंने थीटा लेट कर लिया। ये एरो जो शो करता है ये बताता है कि किसी लाइन, कोई भी लाइन है उसका एंगल इस लाइन पे आके बन रहा है, मतलब L1 का एंगल L2 पे बन रहा है और उसको मैंने थीटा ले लिया। ठीक है, तो अब मुझे फिगर से अगर मैं देखूंगा तो ये थीटा किसके बराबर होगा। अब मैंने एक ये एक्स एक्सिस आपके पास, मैंने बिल्कुल इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली है। आप लोगों को पता है अगर दो पैरेलल को ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो सेम होते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये सेम होगा। ठीक है, तो ये अल्फा है, तो ये वाला छोटा सा जो एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक ये अल्फा होगा। ठीक है, अब देखो एक्स एक्सिस से लेके L2 तक बीटा है। अगर ये पूरी चीज़ बीटा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये बीटा होगा, क्योंकि ये हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। तो यहाँ से लेके एक्स एक्सिस से रिलेटेड L2 तक बीटा है, तो ये भी यहाँ से लेके L2 तक हमारे पास एंगल बीटा हो जाएगा। ठीक है, और थीटा क्या है? L1 और L2 के दरमियान एंगल, L1 से लेके L2 तक। तो यहाँ से लेके ये पूरा बीटा है और ये पूरा अल्फा है। तो अगर मुझे ये चीज़ निकालनी होगी तो बड़ा एंगल कौन सा है? बीटा। बीटा में से मैं अल्फा माइनस कर दूंगा तो मेरे पास रिक्वायर्ड ये चीज़ आ जाएगी जो थीटा के बराबर है। तो यही मैंने लिखा है, थीटा मेरा क्या है? बीटा माइनस अल्फा। बीटा में से अल्फा माइनस कर दो तो आपके पास थीटा आ जाएगा। अब दोनों तरफ मैंने टेंजेंट ले लिया, टेन थीटा और इक्वल टू टेन बीटा माइनस अल्फा। अब टेन बीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूला है टेन बीटा माइनस टेन अल्फा ओवर वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। अब टेन बीटा मेरे पास क्या है? लाइन L2 जो है इसका स्लोप, क्योंकि आपको पता है इंक्लिनेशन का टेंजेंट जो होता है वो स्लोप होता है। तो टेन बीटा M2 लाइन 2 का स्लोप है और टेन अल्फा लाइन L1 का स्लोप है, जिसे मैंने M1 बोल दिया। ठीक है, तो टेन बीटा की जगह आप लोग M2 लिख दो और टेन अल्फा की जगह M1 लिख दो। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड फार्मूला आ जाएगा जिसके ज़रिए से मैं एंगल निकालूंगा जब मेरे पास स्लोप गिवन होंगे। अब इस फॉर्मूले को अगर आप लोग गौर से देखो तो इसमें एक चीज़ आप लोगों को पता चलेगी कि अगर एंगल L1 से L2 पे बन रहा है, L1 L2 को छोड़ दो, मेरे पास एक लाइन है L2 और L3 है। अगर मेरा एंगल L2 से L3 पे बन रहा है तो जिस पे ख़त्म होता है ना एंगल, मतलब L1 से लेके L2 पे बन रहा है, तो जिस लाइन पे हमारा एंगल एंड होता है उसका स्लोप पहले आता है। तो यहाँ मेरे पास एंगल किस पे एंड हो रहा है? L2 पे, तो मैंने M2 का स्लोप पहले लिख दिया। अगर ये ऐसे होता कि L2 का एंगल बन रहा है L1 पे, तो मैं क्या करता? M1 माइनस M2 करता। देखिए, नीचे का ऑर्डर मैटर नहीं करता, 1 प्लस M1 M2 करो या M2 M1 करो, मल्टीप्लाई में मैटर नहीं करता, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में मैटर करता है। आपको M2 माइनस M1 करो या M1 माइनस M2 करो तो आंसर चेंज हो जाएगा आपके पास। तो जिस पे एंगल एंड हो रहा होता है उसका स्लोप पहले आता है। यहाँ एंगल एंड हो रहा था M2 पे, तो मैंने M2 पहले लिख दिया। अगर एंगल L1 पे एंड होगा तो मैं M1 माइनस M2 करता हूँ। ओके गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 15 है, और क्वेश्चन नंबर 15 के दो पार्ट हैं हमारे पास। पहला पार्ट जो है उसमें हमें क्या करना है, एक गिवन लाइन दी गई है और उसका स्लोप दिया गया है हमें, और हमें करना क्या है, उस लाइन से लेके y एक्सिस तक एक एंगल बन रहा है वो हमें निकालना है। और सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है कि गिवन लाइन से x एक्सिस तक जो एंगल बन रहा है वो हमें निकालना है। तो मैंने उस जो रिक्वायर्ड एंगल है उसको थीटा बोल दिया, और जो रिक्वायर्ड लाइन जो है उसके इंक्लिनेशन को मैंने अल्फा बोल दिया। स्लोप मेरे पास -2/3 है, और लेट थीटा भी था रिक्वायर्ड एंगल। मेरे पास थीटा रिक्वायर्ड एंगल है जो गिवन लाइन से लेके वाई एक्सिस तक है, इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, पार्ट वन जो है, एंड अल्फा भी द इंक्लिनेशन ऑफ अ गिवन लाइन। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग देख लो कि जैसे मैंने लाइन ड्रॉ की है, मेरे पास स्लोप गिवन था -2/3, तो मैंने लाइन को इस तरह ड्रॉ की है। अब मुझसे अगर कोई स्टूडेंट आप लोग होते, आप लोग तो मोबाइल पे देख रहे हो, अगर सामने बैठे हुए होते तो आप लोग मुझसे पूछ सकते थे ये कि इस लाइन को मैं इस तरह क्यों नहीं ड्रॉ कर रहा, मतलब इस तरह क्यों नहीं मैं ड्रॉ कर सकता। तो जो कॉन्सेप्ट ये है पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप का,
पॉजिटिव स्लोप आपके पास क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है, कि अगर एक लाइन मैंने ड्रॉ की है, अगर एक लाइन डिक्रीज हो रही है, अगर एक लाइन डिक्रीज हो रही है, जब आप ग्राफ को लेफ्ट से राइट की तरफ देखो, मतलब यहां से शुरू करो, अब यहां से शुरू करोगे तो लाइन आपको पता है डिक्रीज हो रही है लेफ्ट से लेकर राइट, राइट से लेफ्ट पे देखोगे तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन हम ग्राफ को लेफ्ट से राइट पे देखते हैं। तो अगर एक लाइन लेफ्ट से आप लोग देखोगे लेफ्ट से राइट की तरफ और वो डिक्रीज हो रही है तो उसका स्लोप नेगेटिव होता है। और बिल्कुल इसके वाइस वर्सा अगर आप लोग केस देखो एक, कि अगर मेरी लाइन इस तरह है, जब मैं लेफ्ट से लेके राइट पे देखूं ग्राफ को तो लेफ्ट से लेके राइट पे मेरी लाइन जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जो लेफ्ट से लेके राइट पे मेरी लाइन इंक्रीज होती जाएगी तो उसका स्लोप पॉजिटिव होगा, और जब मैं लेफ्ट से लेके राइट पे देखूंगा तो लेफ्ट से कोई लाइन डिक्रीज हो रही है राइट की तरफ जाते हुए तो उसका स्लोप मेरे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास नेगेटिव स्लोप था इसलिए मैंने एक लाइन बनाई जो लेफ्ट से लेके राइट पे डिक्रीज हो रही है, ये इसकी कंडीशन थी। अगर आप लोग ये इसकी रीज़न थी, अच्छा अगर आप लोग इस तरह बनाओगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए लाइन का। अब अपने सवाल पे आते हैं, हमें क्या करना है, हमें एंगल निकालना है थीटा, और हमें थीटा निकालना है बस और कुछ नहीं निकालना। अल्फा जो है वो आपका इंक्लिनेशन है गिवन लाइन का। अब देखो यहाँ से लेके 90 होता है, ये 180 हो गया, ये 270 हो गया, तो टोटल एंगल पूरा 270 है। मुझे क्या चाहिए, मुझे लाइन से लेके यहाँ तक चाहिए, एंगल एक्स एक्सिस से अल्फा यहाँ बना, उसके बाद इसी लाइन से 270 तक, मतलब 270 तक आपका एंगल बन गया। अब इस पूरे 270 एंगल में से अगर मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो मेरे पास रिक्वायर्ड थीटा आ जाएगा। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, पूरा एंगल 270, और उस पूरे एंगल से सिर्फ मैं अल्फा माइनस कर दूं तो रिक्वायर्ड जो एंगल जो बचेगा वो मेरे पास होगा थीटा। अब दोनों तरफ मैं टेन थीटा ले लूंगा इसका, दोनों तरफ टेन ले लूंगा, तो 270 माइनस अल्फा आ जाएगा। अब आप लोगों को पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है कि अगर एंगल 270 और 90 होगा तो आपका फंक्शन चेंज होगा, टेन है तो वो कॉट हो जाएगा और जो यहाँ एंगल होगा वो यहाँ आएगा। और दूसरी चीज़ होती है साइन का, अगर 270 में से एंगल को माइनस हो रहा है, ये लाइन 270 की होती है, अगर इस एंगल को माइनस हो रहा है तो वो इस क्वाड्रेंट में लाया करेगा। अगर 270 में कोई भी एंगल आप प्लस करोगे, 270 प्लस 1 भी कर दोगे तो 271 फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया कर देगा, तो माइनस हो रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करेगा। और आप लोग जानते हो कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करेगा तो 10 पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए यहाँ पॉजिटिव साइन है। तो कॉट अल्फा किसके बराबर होता है, 1/10α। 10α आपके पास गिवन है, क्यों कैसे गिवन है, ये लाइन है इसका इंक्लिनेशन अल्फा है, स्लोप क्या होगा 10α, और इस लाइन का स्लोप क्या, -2/3। तो 10α किसके बराबर हो जाएगा, -2/3 के। रेसिप्रोकल इसका मल्टीप्लाई करवा दोगे तो 3 -3/2 आ जाएगा। और आपको एंगल चाहिए तो 10 उधर जाएगा तो 10 इनवर्स हो जाएगा, और 10 इनवर्स -1.5 ये रिक्वायर्ड एंगल है आपका। इसको सॉल्व भी कर सकते हो कैलकुलेटर से, डेसिमल में वैल्यू भी निकाल सकते हो, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। सेकंड पार्ट जो है वो मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, आप लोगों को सिर्फ बता रहा हूं, उसमें कंडीशन चेंज नहीं है, कंडीशन थोड़ी सी चेंज है उसके अंदर। उसमें क्या करना है, उसमें जो रिक्वायर्ड एंगल जो है वो लाइन से लेके एक्स एक्सिस पे बन रहा है, तो यहां से लेके यहां तक पूरी रोटेशन कितनी होगी आपकी, 180। और 180 में से अगर मैं सिर्फ ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो रिक्वायर्ड मेरे पास एंगल आ जाएगा। अब दोनों तरफ मैं 10 ले लूंगा, और आप लोगों को पता है 180 और 360 पे फंक्शन चेंज नहीं होता, तो आपके पास 10 वैसे ही आ जाएगा, जो यहां एंगल होगा वो इधर आ जाएगा। अब 180 में से कोई भी एंगल माइनस होगा, ये 180 है, इससे कोई भी एंगल माइनस हो रहा है तो वो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो 10 जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए नेगेटिव साइन आ जाएगा। 10α आपके पास गिवन है, -2/3 -- पॉजिटिव होकर 2/3 हो जाएगा, रिक्वायर्ड एंगल क्या होगा, 10 inverse 2/3। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, और क्वेश्चन नंबर 16 में आपको लाइन जो L2 है इसका स्लोप निकालना है। गिवन क्या, आपके पास दो लाइंस हैं, पहली लाइन का स्लोप गिवन है जो है -1/3, इन दो लाइन के दरमियान एंगल जो है वो आपके पास गिवन है 135 डिग्री, और जो दूसरी लाइन जो है L2 उसका आपको स्लोप निकालना है। सवाल में ये गिवन है कि एंगल फ्रॉम L1 to L2, मतलब एंगल एंड कहाँ हो रहा है, L2 पे एंड हो रहा है, तो जिस पे एंड होता है उसका स्लोप पहले आता है। तो आपको पता है एंगल निकालने का फॉर्मूला, अब थीटा जो है ये आपके पास गिवन है 135 है, M2 आपको निकालना है, M1 आपके पास -1/3, तो -- पॉजिटिव हो जाएगा, तो 10 1/35 आपके पास -1 होता है। LCM ले लो आप लोग न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 -M2 को उधर लेके जाओगे तो -3 और +M2 हो जाएगा, और 3M2 +1 वैसे ही रहेगा,
माइनस फोर इक्वल टू एम टू और एम टू आपके पास माइनस टू आ जाएगा। यही वर्किंग आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 में भी करोगे, बिल्कुल यही क्वेश्चन है और फॉर्मूला भी आप लोग यही लगाओगे। ओके गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 18 है और क्वेश्चन नंबर 18 में आपको टेंजेंट्स ऑफ एंगल निकालने, ट्राइंगल के जितने एंगल हैं, तीन एंगल होंगे ट्राइंगल के, उनके टेंजेंट निकालने आपको और वर्टिस आपको गिवन है ए बी सी। तो सबसे पहले मैंने ए बी सी इनको ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करना आप लोगों को आता है, एक मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोग खुद ड्रॉ कर लेना। मैंने इनको इक्वल स्पेस एक्सिस पे मैंने लाइंस मार्क कर दी। तो पहला पॉइंट है 4 1, तो 1 2 3 4 ये हो जाएगा और वाई एक्सिस पे आपको 1 जाना है, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरह बी निकालोगे, इसी तरह सी निकालोगे, ये पूरा तीन जो वर्टिस हैं एक ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, अब की जो वर्किंग है वो आप देखो क्या करना है आप लोगों को। आपको निकालने हैं टेंजेंट ऑफ एंगल, किसी भी ट्राइंगल में तीन एंगल होते हैं। तो मैंने यहाँ अल्फा बीटा गैमा, ए का एंगल अल्फा बोल दिया, बी का बीटा बोल दिया और सी का गैमा बोल दिया। अब इस एंगल की डायरेक्शन आपको देखनी है कि इस लाइन से इस लाइन पे बन रहा है तो ये क्यों बन रहा है। आप लोगों को मैंने बताया था एंगल जो है वो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मैंने एक बनाई है, ठीक है, ये रोटेशन आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। जब आप इस लाइन से इस पे बनाओगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है आपकी, ठीक है, तो आप लोग समझ लो। इसी तरह इस लाइन पे ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इस लाइन से लेके इस लाइन पे बनेगा, और इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे इस लाइन पे आप लोग बना दोगे। ठीक है, तो जो एंड होगा ना वो आप लोग देख लेना कि किस लाइन पे एंड हो रहा है, ये आप लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाओगे। इस चीज़ को आपने ध्यान से करना है, अगर ये आप लोगों ने ध्यान से नहीं किया ना, मतलब जिस लाइन पे एंड हो रहा है वो आप लोगों ने ध्यान से नहीं किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना दिया, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाना है। ठीक है, जब बन जाएंगे आप लोग पास, मैंने ए बी लाइन सेगमेंट है इसको स्लोप को एम वन बोल दिया, बी सी लाइन सेगमेंट के स्लोप को एम टू और सी ए जो लाइन सेगमेंट है उसको एम थ्री बोल दिया उसके स्लोप को। तो आप लोग सबसे पहले स्लोप निकाल लो, एम वन का स्लोप -2/5 आया, एम टू जो बी सी लाइन सेगमेंट उसका स्लोप है वो 5/4 है और एम थ्री मेरे पास 1/3 है। सबसे पहले मुझे जो वर्टिस ए है उसका मुझे एंगल निकालना है और उस एंगल का टेंजेंट लेना है मुझे। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, टेन अल्फा, इधर मैंने एंगल अल्फा ले लिया, इन दो लाइन के दरमियान एंगल अल्फा है, अगर इन दो लाइन के दरमियान एंगल थीटा में लेता तो टेन थीटा लिख देता मैं। ठीक है, ये आप लोगों की चॉइस है। तो इन दो लाइन के दरमियान एंगल अल्फा है तो मैंने टेन अल्फा लिख दिया। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस पे एंगल एंड होता है उसका स्लोप पहले आता है, तो इस लाइन सेगमेंट ए बी लाइन सेगमेंट जो है इससे एंगल बन रहा है और एंड किस पे हो रहा है, ए सी लाइन सेगमेंट पे, इस पॉइंट पे। तो ए सी लाइन सेगमेंट का स्लोप क्या है, एम थ्री, और ए बी लाइन सेगमेंट का एम1 है। तो अगर ए सी पे एंड हो रहा है तो पहले ए सी का स्लोप आएगा जो m3 है, तो मैंने m3-m1 लिख दिया। सिंपल, आप लोग वैल्यूज पुट करोगे इसके अंदर और जो भी एंगल आएगा इसको सॉल्व कर लो खुद, जो भी आया जो इसका फाइनल आंसर जो है वो 11/13 है। अब अगर आप लोगों को एंगल निकालने होते ना तो आप लोग क्या करते, टेन को उधर ले जाते, टेन इनवर्स 11/13 होता, लेकिन जहाँ उन्होंने बोला टेंजेंट ऑफ एंगल निकालो, तो आप लोगों का यही आंसर है, एंगल का आप लोगों ने टेंजेंट लिया हुआ है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, इसी तरह आप लोग वर्टिस बी का करोगे, वर्टिस बी पे आप लोग देखोगे ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो बी सी लाइन सेगमेंट से लेके ए बी लाइन सेगमेंट पे एंगल बन रहा है और एंड किस पे हो रहा है, ए बी लाइन सेगमेंट पे, और इस लाइन सेगमेंट का स्लोप क्या है, m1, तो पहले m1 आएगा उसके बाद m2 आएगा, तो m1-m2 हो जाएगा। वैल्यू स्पोर्ट करो, आप लोगों के पास टेन बीटा क्या आ जाएगा, -33/10 आ जाएगा। उसके बाद वर्टिस सी जो है वो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब लाइन सेगमेंट ए सी से लेके लाइन सेगमेंट बी सी पे एंड हो रहा है एंगल, तो एंगल किस पे एंड हो रहा है, बी सी लाइन सेगमेंट पे, तो पहले बी सी का स्लोप आएगा, बी सी का स्लोप क्या आप लोगों के पास m2 है, तो m2 पहले लिखोगे, m2-m3 हो जाएगा। वैल्यू पुट करोगे आप लोग, रिक्वायर्ड जो आपके पास आंसर आएगा 11/17 आ जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड तीन एंगल होते हैं जो ट्राइंगल के, उसके मैंने टेंजेंट ले लिया और ये उनका। ओके गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 19 है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज 2.4 का, क्योंकि एक्सरसाइज 2.4 का तो 21 लास्ट है, लेकिन मैंने जिस तरतीब से करवाया उस तरतीब से क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 का। इसमें करना क्या, हमें प्रूफ करना है दैट द इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज़ कॉन्गेंट एंगल्स। कॉन्गेंट एंगल का मतलब ये होता है कि तमाम एंगल इक्वल हो। ज्योमेट्रिक शेप्स में हम कॉन्गेंट का मतलब टर्म यूज़ करते हैं जिसका मतलब यही होता है, इक्वल के सेंस में यूज़ होता है। तो हमें प्रूफ करना है जितने एंगल हैं वो सब आपस में इक्वल हैं, कॉन्गेंट हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल आप लोगों को मैंने एक्सरसाइज 2.3 में बताया था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के किस तरह हम कोऑर्डिनेट्स सेलेक्ट करते हैं। तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो -a 0 हो जाएगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे तो a 0 हो जाएगा, और c किस तरह निकालोगे आप लोग, c y एक्सिस पे तो x 0 है उसका, और उसका y किस तरह आएगा, y मतलब ये परपेंडिकुलर पूरा है, तो
तो परपेंडिकुलर किस तरह निकालोगे? आप लोग ये एक राइट ट्रायंगल सपोज कर लो जो मैंने इस तरह लिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक ए है, टोटल लेंथ इसकी कितनी है 2a। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी भी 2a होगी, इसकी भी 2a होगी। तो मैं सिर्फ अगर ये कंसीडर कर रहा हूँ तो इसकी लेंथ a होगी और इस पूरी साइड की लेंथ 2a होगी। मुझे ये वाली साइड निकालनी है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आप रूट लोगे इसका तो रूट 3a आ जाएगा, जो इसके कोऑर्डिनेट सी के थे। x जीरो होगा और y जो है इसका रूट 3a होगा। जब तीनों कोऑर्डिनेट ऐड कर लोगे उसके बाद आप लोग सबसे पहले हमें प्रूफ ये करना है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनता है, उसी तरह आप लोग इस तरह एंगल बनाओगे सबके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह एंगल बनेंगे। और ए बी जो लाइन सेगमेंट है इसका स्लोप m1 है, बी सी का m2 और ए सी का m3 है। तो सबसे पहले स्लोप निकाल लो साइड के। ए बी साइड जो है वो m1 उसका स्लोप है, न्यूमरेटर में जीरो आ गया तो आपके पास स्लोप भी जीरो होगा। m2 जो लाइन सेगमेंट बी सी का स्लोप है वो माइनस रूट 3 आएगा, ऊपर माइनस रूट 3 होगा और नीचे सिर्फ a बचेगा, तो a से a कैंसिल हो गया माइनस रूट 3 हो जाएगा। और इसमें ऐसा होगा कि माइनस a है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, a और a भी कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ आपके पास रूट 3 बच जाएगा जो आपके पास स्लोप है m3। अब आपको करना क्या है? अब आपको एंगल निकालने, पिछले सवाल में आपको टेंजेंट ऑफ एंगल निकालने थे, मतलब टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा। इधर आपको सिर्फ एंगल निकालने, मतलब अल्फा बीटा गामा। तो आप लोगों के पास फॉर्मूला ये है, जिस लाइन पे एंगल एंड होगा उसका स्लोप पहले आएगा। अगर आप लोग ए को कंसिडर करोगे तो ए बी से एंगल स्टार्ट हो रहा है इस पूरे लाइन सेगमेंट पे और एंड किस लाइन सेगमेंट पे हो रहा है? ए सी पे, तो ए सी का स्लोप पहले आएगा, तो एम थ्री माइनस एम वन हो जाएगा। सिंपल वैल्यूज आप लोग पुट करोगे, आखिर में आपके पास टेन अल्फा आएगा रूट थ्री। आपको चाहिए अल्फा तो टेन उधर टेन इनवर्स हो जाएगा और टेन इनवर्स रूट थ्री आपके पास 60 डिग्री एंगल होता है। सेम वर्किंग बी की करोगे, एंगल जो है वो एम टू से लेके एम वन पे बन रहा है, मतलब इस बी सी लाइन सेगमेंट का एंगल ए सी लाइन सेगमेंट पे बन रहा है, तो एम वन माइनस एम टू हो जाएगा। बाकी वही आप लोग वैल्यूज पुट करोगे इसके अंदर तो वही रूट थ्री आएगा, रूट थ्री का टेन इनवर्स लोगे तो आपके पास 60 आएगा, 60 डिग्री। अब आप लोगों को पता है कि किसी भी ट्राइंगल में सब एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है और सर्किल में 360 डिग्री होता है टोटल एंगल पूरा। तो ट्राइंगल में 180 डिग्री है, अब आपके पास अल्फा और बीटा आ गए, 60 प्लस 60 120, तो 120 तो जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, तो 180 में से 120 सेपरेट करोगे तो आपके पास 60 डिग्री आएगा। और ये प्रूव हो जाएगा अल्फा बीटा गामा ये कॉन्ग्रेट एंगल है, मतलब सेम एंगल है या इक्वल एंगल है। ठीक है गाइस, इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे, देन इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। और पीडीएफ चेक करना, जो मैंने क्वेश्चन नहीं करवाए एक्सरसाइज 2.4 के, वो मैंने पीडीएफ में सॉल्व करवाए हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।